चलो वेलकम बैक। तो मैं आपको बोल रहा था, ये सारा खर्चा जो मेरा हो गया 30 लाख, ये किस लिए हुआ? ये 90 लाख रेज करने के लिए, ये 90 लाख रेज करने के मुझे ये सारा खर्चा हो गया। इस सब को हम बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? बोरोइंग बोरिंग कॉस्ट क्या बोलते हैं? बोरिंग सबके सब को, तीनों को या एक्सपेंस तीनों को? को, जो भी आपका खर्चा हो जाएगा, चाहे वो डिस्काउंट के नाम से हो जाएगा, प्रीमियम के नाम से हो जाएगा, इनफैक्ट इस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो उसका, जो डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी, या जो एक्सपेंस हो गई, ये सब का कॉस्ट क्या कहलाई जाएगी? दैट इज द बोरिंग कॉस्ट। क्या कहलाई जाएगी? बोरिंग कॉस्ट। मनी बोरोइंग बोरो करने की आपकी कॉस्ट, मैंने तो यहाँ पे तीन ही लिखे, इसके साथ साथ चौथा जो इंटरेस्ट होगा, ये सब आपका कॉल करता है इसमें बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब बोरिंग कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, उसके लिए आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 16। क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डील्स विद द बोरिंग कॉस्ट। समझ आई बात? तो अब बोलोगे आप बोरिंग कॉस्ट क्या है, डिबेंचर के कंटेक्स्ट में, डिबेंचर पे आप जो हर साल इंटरेस्ट पे करो दैट इज अ बोरिंग कॉस्ट। डिबेंचर्स पे जो आप हर साल इंटरेस्ट पे करो दैट इज अ बोरिंग कॉस्ट। डिबेंचर्स पे अगर आपने कोई डिस्काउंट दे दिया इशू के वक्त, दैट इज द बोरिंग कॉस्ट। डिबेंचर्स को अगर आप रिडीम कर रहे हो एट प्रीमियम, द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन इज द बोरिंग कॉस्ट। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ द डिबेंचर्स आल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। नाउ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप, आपको देखना है कि अकाउंटिंग क्या होगी इस बोरिंग कॉस्ट की, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया जिसका नाम है AS 16, अकाउंटिंग फॉर बोरिंग कॉस्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 16 जो है बोरिंग कॉस्ट, वो क्या बोलता है कि बोलता है ये जितनी भी बोरिंग कॉस्ट हो गई है, जितनी भी बोरिंग कॉस्ट हो गए, अगर ये एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए इंकर करती गई है, क्या हुआ है, अगर ये एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए इंकर हो गई है, तो ये सारी कॉस्ट जो हो जाएगी, ये सॉरी कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर, कैपिटलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी। मतलब अगर आपकी, लेट मी राइट इट लाइक दिस, अगर आपको एक एसेट बनाना है या अगर आपको एक एसेट खरीदना है, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ी और वो पैसा आपने थ्रू डिबेंचर ले लिया, उसके लिए आपने डिबेंचर्स पे कुछ खर्चा कर लिया, चाहे वो एक्सपेंस के नाम को, डिस्काउंट के नाम को, रिडेम्पशन के प्रीमियम के नाम से हो या इंटरेस्ट के नाम से हो, वो अगर इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए है, तो जितनी भी बोरिंग कॉस्ट इसके लिए इस्तेमाल होगी वो कैपिटलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज कैपिटल हो जाएगी। कब तक कैपिटलाइज हो जाएगी? टिल द एसेट इज रेडी टू यूज। जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं होगा, तब तक जितनी भी कॉस्ट हो जाएगी वो कैपिटलाइज हो जाएगी, बिकॉज वो उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने तक खर्चा हो गया है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, अभी आप शायद इतने मतलब अकाउंटिंग की उतनी नॉलेज नहीं है आपको, देयर इज अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब फिक्स्ड एसेट के लिए जो AS है वो AS 10 है। वो बोलता है आपको फिक्स्ड एसेट जो रिक्वायरमेंट करना है किस वैल्यू पे करना है, तो वो बोलता है उस एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए जितना भी खर्चा उस पर हो गया वो कैपिटलाइज होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको, हालांकि ये सब चीजें ना पढ़नी नहीं आपको, बट आपको आगे काम आएगी, तो मैं चाहता हूँ मैं आज ही आपको क्लियर कर दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है ना, हमारी कंपनी को बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, समझ लेना इस चीज को अच्छे से, हमें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, उस फैक्ट्री को लगाने में हमारा जो खर्चा आ जाएगा वो 2 करोड़ का आ जाएगा। कितना खर्चा आ जाएगा? 2 करोड़ का। दो कर और इसको बनाने में हमें सपोज 5 साल लगेंगे। क्या लगेंगे? 5 साल। और मैंने इसके लिए क्या किया, डिबेंचर्स इशू के लिए जो मुझे 2 करोड़ का पैसा चाहिए, मैंने डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, अब ये जो मैं फैक्ट्री बना दूंगा, जब मैंने डिबेंचर्स इशू कर लिए, मेरे पास सपोज डिबेंचर्स का पैसा जो है वो 1 लाख, 1 करोड़ 90 लाख आ गया, 1 करोड़ 90 लाख मुझे डिबेंचर से पैसा आ गया, ठीक है ना, और 10 लाख वही जो डिस्काउंट था, मैं ये बिल्डिंग बनाता गया बनाता गया। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, इस फैक्ट्री को बनाने से जितना भी मेरे को खर्चा लगेगा, पहले तो ये जब मैं डिबेंचर इशू करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट,
है ना, और डिस्काउंट एंड शॉर्ट डिबेंचर, तो डिबेंचर अकाउंट, तो ये मेरा दो खर्चे हो जाएंगे, एक खर्चा हो जाएगा डिस्काउंट और मेरे पास पैसा आएगा। उस पैसे से फिर मैं क्या खरीदूंगा सर, सीमेंट खरीदूंगा, सरिया खरीदूंगा, लेबर को पैसे दूंगा, बाकी सब चीज करूंगा इस फैक्ट्री को बनाने के लिए, है ना। जब आप सीमेंट खरीदोगे तो आप क्या एंट्री करोगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और डेबिट कैश। आयरन सरिया खरीदोगे तो आप सब क्या करोगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, लास्ट में सब कुछ को डेबिट करोगे, बिल्डिंग को डेबिट करोगे, आप एक एसेट को बनाओगे। तो जितने भी चीजें आपको लगी, लेबर लग गया आपको, मटेरियल लग गया, सब किस में ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। समझ आ रही बात की नहीं? अच्छा वापस जाओ 11th में, आप बोलते थे कि हमने अगर एसी लाया तो एसी का खर्चा मैं पीएनएल में नहीं डालूंगा, बिकॉज एसी जो है मेरा कैपिटल एसेट, तो वो मैं एसी दिखा दूंगा। फिर एसी के लिए मजदूर को मैंने पेमेंट दे दी इंस्टॉलेशन के लिए, उस मजदूर को जो पैसा दिया वो मैंने पीएनएल में नहीं लेना है, वो भी मैंने एसी में ऐड करना था। पढ़ते थे ना, वेजेस पेड ऑन द इंस्टॉलेशन मशीनरी विल बी कैपिटलाइज्ड और रेवेन्यू विल बी कैपिटलाइज्ड, तो द कॉस्ट ऑफ द, बिकॉज उस एसेट को रेडी करने के लिए, रेडी टू यूज करने के लिए मुझे जो भी खर्चे लगेंगे, चाहे वो एसी का पैसा जो मैंने दुकानदार को दिया, जो मुझे किराया लगा पर अपने दुकान तक लाने में, और इंस्टॉलेशन में जितना भी खर्चा हो जाएगा उस एसेट पे, वो हम क्या करते, कैपिटलाइज करते, जी करते थे नहीं करते। अब देखो, अब आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग को जब आप बना रहे हो तो कितना कैपिटलाइज करोगे, तो आप बोलोगे सर बिल्डिंग के लिए जो मैंने सबसे पहले ईंटे लानी पड़ी वो कैपिटलाइज हो जाएगा, ईंटे जो आपने लाई तो वो पीएनएल में डालोगे कि एसेट में दिखाओगे, सेट में तो आप बिल्डिंग के नाम से एसेट बनाओगे उसमें डाल दोगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन करके, उसको हम बोलते हैं अपनी टर्म में एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें दिखाओगे। फिर आप बोलोगे कि यार अब मुझे मैं सरिया लाना है, तो उस आयरन को भी चाहे वो 2,000 का होगा, 10,000 का, वो सारा क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में डेबिट हो जाएगा, एसेट में डेबिट हो जाएगा। फिर आपने वेजेस दे दिए लेबर को, हर दिन महीने बाद वेजेस दे दिए, तो वो क्या पीएनएल में डालोगे, नहीं, वो सारा खर्चा किस लिए हो रहा है, इस बिल्डिंग के लिए, वो सारा उसको कैपिटलाइज हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आ रहा है? आप मेरे जी अकाउंटेंट हो, आप भी यही बोलो सर मजदूर जो को पैसा दिया वो पीएनएल में नहीं जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, बिकॉज वो मजदूर को जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा हूँ सर, वो भी बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए। मेक सेंस और नॉट? जी सर अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, भाई मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा लिया लोन पे, अब मुझे बता भाई लोन पे जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो मैं पीएनएल में लूंगा कि बिल्डिंग में डाल दूंगा, बिल्डिंग में बिल्डिंग बिल्डिंग में में डालूंगा, कब तक, जब तक ये बिल्डिंग रेडी नहीं होगी, बिकॉज जब बिल्डिंग रेडी हो जाएगी उसके बाद में अगर मेरा लोन का कुछ पैसा बचा हुआ है तब वो एसेट में नहीं जाएगा, बिकॉज एसेट को रेडी करने तक, रेडी टू यूज करने तक जितना भी खर्चा जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा जो आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस जो मैंने लेबर को दे दी, जो मैंने बिल्डिंग के लिए सीमेंट लाया, सरिया लाया, सब कुछ लाया, वो आपको दिख रहा है वो भी जाएगा, बट मुझे बता अगर मैंने इसके लिए उधार लिया है पैसा, उस पर जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो भी तो कैपिटलाइज हो जाएगा ना। तो ये चीज A16 बोलती है, A16 बोलती है जब तक ये एसेट रेडी टू यूज नहीं होगा, रेडी टू यूज नहीं होगा, सपोज Y0 में आपने काम करना स्टार्ट किया और यहाँ पे ये खत्म हो गया Y5 पे, तो यहाँ तक जितना भी खर्चा बेटा आपने कर दिया वो सारा कैपिटलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटल वो सारा एसेट में डेबिट हो जाएगा। तो वो बोलता है वो तो बाकी जो खर्चे थे इसमें तो आपको डाउट नहीं हो रहा था, जब आपने सीमेंट लाया आपको डाउट नहीं हुआ कि ये बिल्डिंग में जाना जाए कि पीएनएल में जाना है, आप सबने बोला बिल्डिंग में जाना चाहिए, जब आपने मजदूर को पैसा दिया आप सबने बोला बिल्डिंग में जाना चाहिए, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था कि भाई एसेट को रेडी टू यूज करने तक जितना भी खर्चा होगा क्या पैसा, पर प्रॉब्लम थी कि भाई इंटरेस्ट अगर मैं पे कर रहा हूँ डिबेंचर्स में, जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा उसको क्या करूंगा, तो अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो A16 गाइड करेगा, बोलेगा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो जब तक ये एसेट रेडी नहीं होगा, सपोज इस साल आपको इंटरेस्ट देना है, इस साल आपको इंटरेस्ट देना है, इस साल आपको इंटरेस्ट देना है, इस साल इंटरेस्ट देना है, इस साल इंटरेस्ट देना है, ये सब इस साल जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो अभी, क्योंकि एसेट नहीं बना है इतने, तो सारा पैसा तो यहाँ ही लग रहा है ना, तो उस पर जो इंटरेस्ट भी दे रहे हो वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग के लिए आपने लोन ले लिया, लॉजिक के लिए देखो बिल्डिंग के लिए आपने लोन ले लिया, बिल्डिंग से अभी कुछ रेवेन्यू आया, द आंसर इज नो, बिल्डिंग से जब कोई फायदा ही नहीं आया तो हर साल जो इंटरेस्ट आएगा वो आप इस साल के पीएनएल में क्यों लोगे, बिकॉज उस जिस बिल्डिंग के लिए वो ले लिया उससे तो कोई रेवेन्यू जा ही नहीं रहा इसमें, यू आर गेटिंग इट लॉजिकली और नॉट, मैचिंग कंसेप्ट याद करो भाई, एक्सपेंस जिस रेवेन्यू के पर्टेन करता है उसमें जाएगा, भाई ये एक्सपेंस सारा बिल्डिंग के लिए हो रहा है और बिल्डिंग से अभी तक इन साल में कोई फायदा हो रहा है आपको, द आंसर इज नो, बिकॉज द बिल्डिंग इज नॉट येट रेडी टू यूज, वी आर नॉट मेकिंग एनी अर्निंग फ्रॉम द बिल्डिंग रेवेन्यू पर से, फैक्ट्री से हम कुछ कमा नहीं रहे अभी, तो फैक्ट्री के रेवेन्यूज बाद में आ जाएंगे, तो बाद में खर्चा जाएगा ना, अभी क्यों खर्चा जाएगा, तो अभी जितना भी खर्चा हो रहा है चाहे वो इंटरेस्ट के नाम से हो रहा है या डिस्काउंट आपने इस पे दे दिया या रिडेम्पशन प्रीमियम पे, जो भी है वो सारा बिल्डिंग के लिए है, तो रेडी टू यूज तक जितना भी खर्चा हो जाएगा वो सारा कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों,
वंस फिर ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, फिर उसके बाद जो खर्चे हो जाएंगे वो पीएनएल में, वो डिपेंड करेगा अभी 10 साल के और है, फिर हर साल पीएनएल में जाएगा, बिकॉज अब तो रेडी एसेट रेडी हो गया तो हर साल इक्वली जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग पे जो खर्चा ऐड हो गया, चाहे वो डिस्काउंट का बोलो प्रीमियम का बोलो, वो सब कैसे राइट अप होगा? वो डेप्रिसिएशन के हिसाब से राइट अप हो जाएगा, क्योंकि वो एसेट की कॉस्ट बढ़ गई, फिर उससे आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो जिस प्रोपोर्शन में बिल्डिंग के फायदे होंगे उसी प्रोपोर्शन में फिर डेप्रिसिएशन लगेगी। आपने पढ़ा था कि एसएलएम लगेगा, डब्ल्यूटीपी लगेगा, वो भी हम सिस्टमैटिकली लगा रहे थे। द पॉइंट आउट हियर इज AS16 बोरिंग कॉस्ट गाइड्स अस विद रिस्पेक्ट टू द बोरिंग कॉस्ट। इट्स टेल्स अस, देखो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, AS10 के हिसाब से आपको फिक्स रेशो को कैपिटलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जितने भी खर्चे आपको इस बिल्डिंग को बनाने में, इस फिक्स रेशो को बनाने में लगे, वो आप कैपिटलाइज कर रहे हो। द प्रॉब्लम इज बोरिंग कॉस्ट का क्या हो जाएगा? तो वो बोलता है देखो, अगर बोरिंग कॉस्ट आपने ले ली है एक ऐसे एसेट बनाने के लिए जो क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन क्या है? जो 12 महीने से ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर 12 महीने से कम लगेगा इतना, इसी साल आप उस एसेट से फायदा लोगे, इसी साल फायदा लोगे तो इसी साल पीएनएल में डाल दो ना। बट द प्रॉब्लम इज अगर उसको 12 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है, वो इस साल तो रेडी नहीं है, तो बोरिंग नहीं, उसका खर्चा इस साल मत डालो, उसको भी आप इस एसेट के साथ कैपिटलाइज करो। जब एसेट रेडी होगा फिर कैपिटलाइज पोर्शन में वो पार्ट आ ही जाएगा इंटरेस्ट वाला पार्ट, फिर राइट ऑफ हो जाएगा जिस प्रपोजल में उसका फायदा लेंगे। तो AS16 इतना ही बोलता है कि पहले वो डिफाइन करता है बोरिंग कॉस्ट क्या होती है। तो उसमें जो मैंने ऊपर के आपके खर्चे चारों बता दिए, वो सारे बोरिंग कॉस्ट। तो वो बोलता है अगर ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो इसको आप पीएनएल में मत ले लो, इसको आप कैपिटलाइज करो एसेट में। ये AS16 बोलता है, कहीं भी AS16 ऐसा नहीं बोलता है कि डिस्काउंट जो है या प्रीमियम जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको पीएनएल में लो, ऐसा AS16 नहीं बोलता है। जो आपके बुक वाले से मेरे हिसाब से गलती लगी है, वो क्या बोल रहा है, मैं अभी बुक को दोबारा भी पढ़ा था, वो बोल रहा है उसने फिर एज पर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, एज पर न्यू प्रैक्टिस करके बोला है कि AS16 जो है बोरिंग कॉस्ट जो है वो बोलता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको पीएनएल में जाना चाहिए। वो ऐसा नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं बोलता। जो आपकी बुक वाले ने लिखा है कि AS16 के हिसाब से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो पीएनएल में जाएगा। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो पीएनएल में जाएगा। AS16 ऐसा नहीं बोलता बेटा, AS16 का नाम है बोरिंग कॉस्ट। वो बोलता है बोरिंग कॉस्ट को आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, वो बोलता है बोरिंग कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट होगा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो वो कैपिटलाइज होता है। यहां तक वो पार करता है, फिर वो डिफाइन करता है कि कैपिटलाइज कब करना है, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइज कब करना है, इनिशिएशन ऑफ कैपिटलाइज कब करना है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजिंग करना है, ऑल दोस थिंग्स, जनरल लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन लिया, तब क्या उसके बाद वो सिर्फ कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, बट वो कहीं नहीं बोलता ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये वाली बात आपको समझ आई कि AS16 जी बोलता है अगर क्वालिफाइंग एसेट के तो क्या करोगे, अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है जो आपके नॉर्मल एग्जाम में होगा कहीं पे ये लिखा नहीं होगा कैपिटलाइज है, तो AS16 भूल जाओ, AS16 आपको नहीं बोला, अब आपको अपना दिमाग लगाना है। अब जब दिमाग लड़ाना है तो आपको सिंपली याद रखना है, देखो क्या करना, सपोज आप एक क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो क्या करो, ठीक है ना, मतलब आपने डिबेंचर्स ले लिए किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो कैपिटलाइज तो होगा नहीं, उस एसेट का पार्ट नहीं होगा, अब आप क्या ट्रीटमेंट जी करोगे? अब आपको मैचिंग कंसेप्ट रखना है याद, ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट जब याद रखोगे तो आप क्या बोलोगे, देखो अगर मैं आज की डेट में, मतलब आप ये एसेट वेसेट के लिए कुछ नहीं है तो AS16 पिक्चर से बाहर हो गया है, अब नॉर्मली देखना है, मैंने आज डिबेंचर ले लिया 5 साल के लिए, मेरे बच्चों अच्छे से देखो, Y0 पर मैंने डिबेंचर ले लिए, ये 1 साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये पांचवा साल है, ठीक है, ये Y1 है, Y2 है, Y3 है, Y4 है, Y5 है। आज मैंने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए, इनको जी मैं बेटा Y5 में रिडीम करूंगा, इस साल इशू किया, इस साल रिडीम किया, दिख रहा है ना आपको अच्छे से? जी सर, जी सर, अब आपको लॉजिकली देखना है कि इन सब खर्चों को मैं क्या करूंगा। देखो मैं एक एक करके लूंगा, मैं सबसे पहले सिंपल चीज बोलूंगा, डिस्काउंट इंटरेस्ट बोलूंगा, मैं हर साल 10 लाख पे 10% से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूं, है ना, मैं सिंपल कर रहा हूं, मैं हर साल 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूं सबको। तो आप क्या बोलोगे, देखो सर ये 10 लाख रुपया जब मैंने शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर से लिया, ये 10 लाख रुपया मैंने बिजनेस में लगा लिया, लगाया कि नहीं लगाया, तो आज मैंने ये बिजनेस में लगा लिया, ये बिजनेस कब तक मेरे मेरे पास रहा, मेरे बिजनेस में कब तक रहा ये 10 लाख रुपया? 5 साल तक रहा कि नहीं? पहले साल नहीं रहा ना, इससे सपोज मैंने कोई एसेट खरीदा या कुछ भी खरीदा, ये पैसा जो है डिबेंचर होल्डर का मेरे पास कब तक रहा? 5 साल तक रहा, तो पूरे 5 साल में मैं इसका फायदा ले रहा हूँ, आज भी मैं इस 10 लाख का फायदा ले रहा हूँ, आज भी मैं इस 10 लाख का फायदा ले रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 लाख का फायदा, ये नहीं बोला कि पहले साल ही ले रहा हूँ, नहीं, बिकॉज वो पैसा अभी भी मेरे बिजनेस में है,
है कि नहीं? आज मैंने उसे क्रॉप लिया, जो भी लिया, अगले साल प्रॉफिट कमाया, बट वो पैसा अभी भी मेरे पास ही है ना। इस साल में भी वो 10 लाख मेरे पास ही है, इस साल में भी, इस साल में, इस साल में, इस साल में वो 10 लाख मेरे पास नहीं है। तो जब मैं हर साल इसके इक्वली फायदा ले रहा हूँ, तो इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, हर साल पीएनएल में जाना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा कि भाई इंटरेस्ट जो है 1 लाख का यहाँ पे खर्चा जाना चाहिए, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख। मेकिंग सेंस और नॉट? जी सर, अब मैंने डिस्काउंट पे सपोज खर्चा कर लिया, ये मैं एग्जांपल वही दे रहा हूँ, डिस्काउंट पे मेरा सपोज, अभी तो मैंने फिगर कम रखी थी, आप ऐसे रखो, डिस्काउंट मेरा 50,000 का था, ये मेरा 10,000 का था, ये 1 लाख का था, और ये मेरे 5,000 के, ये भी मेरा सपोज लगा लो 10,000 के थे। तो टोटल मेरा जो खर्चा हो गया है, डिस्काउंट के नाम से बोलो, प्रीमियम के नाम से बोलो, इस एक्सपेंस के नाम कितना हो गया टोटल? 1,60,000 था ना। अब ये 1,60,000 तो जो मैंने खर्चा कर दिया, जो मैंने डिस्काउंट दे दिया आज को, मतलब उनसे कम पैसा ले लिया, उनको लाइबिलिटी ज्यादा है, और बाद में उनको और पैसा दूंगा, ये एक्सपेंस हो गए। ये किस लिए हो गया? मेरे डिबेंचर्स के लिए, इन्हीं 10 लाख के लिए हो गया। उन 10 लाख से मैं जो फायदा ले रहा हूँ वो कितने सालों तक ले रहा हूँ? 5 5। साल 5 तो जब मैं फायदा ले रहा हूँ 5 साल में, तो ये जो पूरा खर्चा है 1,60,000, तो ये कितने सालों में राइट ऑफ होना चाहिए? 5 साल 5 साल राइट ऑफ होना चाहिए। समझ आई बात? तो जो बुक वाला ये बोल रहा था कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले ही साल राइट ऑफ होना चाहिए, वो स्टेटमेंट सही नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत है। तो हम ये पढ़ेंगे, हम ये याद रखेंगे कि चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो, या एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये पहले साल में राइट ऑफ नहीं हो जाएंगे, ये राइट ऑफ हो जाएंगे इन द ईयर ऑफ द, मतलब हर साल में जाएंगे राइट ऑफ हो जाएंगे। इस हिसाब से मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से इनको हम हर साल में राइट ऑफ करेंगे। अब कितना राइट ऑफ करेंगे? इन द प्रोपोर्शन जितने में मैं डिबेंचर का फायदा ले रहा हूँ। अगर मैं डिबेंचर को एट द 5 ईयर्स ले रहा हूँ, 5 साल तक मेरे पास रहेंगे, तो पूरा 10 लाख का फायदा ले रहा हूँ, तो हर साल इक्वली हो जाएगा। तो 1,60,000 डिवाइड बाई 5, दैट इज कितना होता है मेरे बच्चों? ₹32,000। टू तो हर साल मेरा राइट ऑफ हो जाएगा ₹32,000, ठीक है? तो राइट ऑफ कहाँ से होगा? अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले वहां से, अगर नहीं है तो फिर पीएनएल से दे दो, और जो वो खर्चा होगा उसको वो खर्चा करेंगे। और मुझे, मैं यहाँ पे अगेन सजेस्ट करूंगा, हमारा जो डिस्काउंट होगा उसको हम डिस्काउंट के नाम से रखेंगे, और अगर खाली डिस्काउंट ही है उसको हम डिस्काउंट के नाम से रखेंगे, और अगर हम इश्यू एट डिस्काउंट कर रहे हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम करो, तो आप चाहो इसका नाम डिस्काउंट ओनली लॉस करो, या डिस्काउंट अलग से रखो, लॉस अलग से रखो, या लॉस नाम रखो, तब भी ठीक है। बट आई विल सजेस्ट आप क्या करो, डिस्काउंट अलग से रखो और लॉस अलग से रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है? अब तीनों चीजें कर सकते हो। जो आपका उस दिन का डाउट था, सर हम ऐसा लिख सकते थे डिस्काउंट विद लॉस, या लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी कर सकते हो। मैं अभी दिखा दूंगा वो क्वेश्चन लाइन से। बट दूसरा तरीका मैंने आपको बता रहा, एक तरीका था मैंने आपको बोला था, Y0 में लिया था डिबेंचर 10 लाख के, और Y5 में रिडीम किया था 10 लाख के। केस में हमने पढ़ा, क्योंकि ये पूरे 5 साल के लिए, यहाँ पे जो हो जाएगा इक्वली राइट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वली इक्वली राइट रिटर्न ऑफ ऑफ इन 5 ईयर। तो हर साल में जो खर्चा जाएगा वो कितना जाएगा? 1/5। क्या जाएगा? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है? बट अगर ऐसा हो गया, मैं बोलता हूं कि मैंने Y0 पे लिए 10 लाख, ठीक है, Y0 पे मैंने लिए 10 लाख।10 लाख, Y1 पे मैंने क्या किया, 2 लाख रुपया पे कर लिया, अब कितना बचा? 8 लाख। 8 लाख यहां पे फिर Y2 में मैंने 2 लाख रुपया पे कर दिया, अब कितना बचा? 6 सिक्स लाख Y3 पे मैंने अगेन 2 लाख पे किया, यहां पे कितना बचा? 4 लाख। Y4 में मैंने अगेन 2 लाख रुपया डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, राइट ऑफ कर, रिडीम कर लिया, अब कितना बचा? 2 लाख। Y5 में मैंने क्या किया, ये 2 लाख पे कर दिया, यहाँ पे बचा 0। अब मुझे बता, जो मेरा अभी इंटरेस्ट था, वो तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली इस साल कितना इंटरेस्ट आएगा? इस साल 10 लाख पे इंटरेस्ट आएगा। पहले साल तो पूरा 10 लाख रहा ना, ग्रेट पहले साल तो 10 लाख रहा ना पूरा, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर पे किया, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 10 लाख का आएगा। यहाँ पे 1 लाख इंटरेस्ट जाएगा, यहाँ पे फिर जी 8 लाख का सर, इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 0.8 लाख का इंटरेस्ट जाएगा, यहाँ पे 0.6 लाख का इंटरेस्ट जाएगा, यहाँ पे 0.4 लाख का इंटरेस्ट जाएगा, यहाँ पे 0.2 लाख का इंटरेस्ट जाएगा, 10-10% के हिसाब से। जितना आउटस्टैंडिंग उसी पे इंटरेस्ट दोगे, वो सारा पीएनएल में जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो रहा था, है ना भाई? इंटरेस्ट इतना आएगा पूरा पीएनएल में जाएगा, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कम आएगा। द पॉइंट इज, जो मेरा ये 1,60,000 है,
डिस्काउंट का, प्रीमियम का, एक्सपेंस का, ये 1,60,000 इस केस में कैसे राइट ऑफ हो जाएगा? सर यहाँ पे 10 लाख से फायदा, 10 लाख का फायदा लिया है ना, यहाँ का वेटेज कितना बना 10, यहाँ पे 8 लाख रुपया पैसा लगा, यहाँ पे 6 लाख से ही काम कर रहे, यहाँ पे 4 लाख से ही काम कर रहे, यहाँ पे 2 लाख से काम कर रहे। डोंट यू फील कि इस साल के पीएनएल में कम खर्चा जाना चाहिए 1,60,000 में, क्योंकि यहाँ पे पूरा 10 लाख से काम ले लिया है, तो इस साल के रेवेन्यू ज्यादा है, इस साल 10 लाख से काम किया, इन पैसों में से 10 लाख से यहाँ पे काम किया, तो इसको ज्यादा खर्चा जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1,60,000 है ये वेटेड एवरेज में जाएगा, क्या जाएगा? वेटेड एवरेज में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 + 8 = 18 + 6 = 18 + 6 = 18 + 2 = 28 = 32, टोटल 30 हो गए। तो पहले साल जो खर्चा जाएगा वो जाएगा 1,60,000 × 10/30। पहले साल ज्यादा खर्चा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मुनजा? पहले साल ज्यादा खर्चा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि सर पहले साल जो पैसा लिया था ना, पहले साल के प्रॉफिट में 10 लाख से काम किया था, फिर वो 2 लाख पे कर दिया, तो यहाँ पे जो था 8 लाख ही था बिजनेस में, तो इस साल के प्रॉफिट में 8 लाख ही जब था वो वाला पैसा, तो उसमें भी 1,60 में से प्रोपोर्शनल जाना चाहिए। वो बोलेगा कि मेरे प्रॉफिट में आप क्यों डाल रहे हो 10 लाख, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 लाख ही था वो पैसे में से, तो उसको अगर मैं 1,60,000 का डिवाइड बाई 5/32 करूंगा, वो इसके साथ इनजस्ट हो जाएगा कि भाई मेरे पास तो 2 लाख ही थे, मेरे को भी 32,000 का खर्चा क्यों बियर करना पड़ेगा। मैचिंग कंसेप्ट फिट जाएगा, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से पहले साल में ज्यादा खर्चा होना चाहिए, इस साल में कम, इसमें 8/30 होना चाहिए, इसमें 6/30 होना चाहिए, इसमें 4/30 होना चाहिए, इसमें 2/30 होना चाहिए, ठीक है? यस और नो? समझ नहीं आया अभी? नो सर, कोई डाउट जिस है? कोई डाउट हाँ हुआ फायदा कुछ, जो भी फील आ मतलब रहा है बताओ मुझे। सर, सर मतलब जिस अगर ड्यूरेशन नहीं लिखा होगा तो, हाँ अगर क्वेश्चन में ड्यूरेशन नहीं लिखा होगा तो देखो, पहले तो क्वेश्चन में दिया होगा, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। पहले एक बार क्वेश्चन एग्जाम को भूल जाओ, रियलिटी में आप क्या करोगे पहले वो समझो, एग्जाम तक आ जाएंगे। एग्जाम में आपको दिया होगा, मैं अभी बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको कैटेगरी बोल रहा कि लमसम में पे करना है, 5 साल बाद करना है पे, या आपको मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा लमसम करना है, उसको भूल जाओ, पहले लॉजिकली समझो। क्या आप लॉजिकली इस चीज को, मैं ये चीज लॉजिकली तुम्हारे दिमाग में जा रहा है कि यही होना चाहिए, पहले उस बात को समझो। सर। लॉजिकली अगर गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल आपको मुझे ये अकाउंटेंट नहीं बनाना ना एग्जाम के लिए, आपको कल को कंपनी का अकाउंटेंट बनना है। आपको पता है मैं इंडियन ऑयल में हूँ, बट क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, यहाँ पे हम खुद से मतलब चार्टर्ड अकाउंट से डिसीजन नहीं लेते हैं, लेते हैं किसी हद तक, बड़ा बड़ा चीज होता है हम आउटसोर्स करते हैं। एक एज जो मैंने आपको अभी बताया ना, अभी जब प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जीक्यूट करना होता है ना, एज बड़ी बड़ी फर्म जो होती है, सीए की जो बड़ी फर्म होती है उनको बोलते हैं बिग फोर। क्या बोलते हैं? इंशाल्लाह आप लोग बिग फोर में काम करोगे, उनको बिग फोर बोलते सर हैं। बिग फोर वालों को हम एक एज को कैसे हम अपनी कंपनी में इंक्लूड करें, 50-50, 60-60 लाख की पेमेंट करते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो यू जस्ट डोंट थिंक कि ये मुझे एग्जाम में करना है, क्वेश्चन में दिया होगा नहीं दिया होगा, जस्ट अपने होरिजन को बड़ा कर लो कि भाई कल को अगर मुझे ये बता दिया कि आपको इस कंपनी में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एएस इंप्लीमेंट करने हैं, ये कंपनी एएस नहीं फॉलो कर रही है, ये आपके पास आ गए कि हमें एएस इंप्लीमेंट करने है, बिकॉज कंपनी ने मैंडेटेड किया फॉर व्हाट एवर रीजन, तो मेरे को क्या करना है वहां पे, तो वो कब होगा? जब आपको लॉजिक्स फंडे हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं अगेन बोलता हूँ, क्या आपको लॉजिकली ये समझ आ गया? इसमें मैंने हर साल में 1/5 क्यों कर लिया, और इसमें मैंने प्रोपोर्शनेटी क्यों कर दिया, पहले 10/30 बिकॉज मैचिंग कंसर्न मुझे बोलता है रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस को मैच करो, जिस प्रोपोर्शन में रेवेन्यू जा रहे हैं किसी भी खर्चे, उसी प्रोपोर्शन में उसके खर्चे जाने चाहिए। यहाँ पे डिबेंचर का 10 लाख रुपया जो था वो पूरे 5 साल में था, तो 5 साल में पूरा इस 10 लाख से इक्वली फायदा ले रहा था, तो खर्चे भी मेरे इक्वली जाएंगे। दूसरे केस में क्या हो रहा था कि उन 10 लाख से मैं पूरा फायदा नहीं ले रहा हूँ, पहले साल में 10 लाख से फायदा ले रहा हूँ, दूसरे साल में 8 से ले रहा हूँ, 6 से ले रहा हूँ, तो प्रोपोर्शनेट भी खर्चा भी 10:8:6:4:2 में जाएगा। ये मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं ना। वो आपको क्वेश्चन आ गया कि सर क्वेश्चन में अगर नहीं देगा, देखो क्वेश्चन में पहले क्या हो सकता है, ये बोला होगा कि आज अपने डिपेंडेंसी को 5 साल बाद राइट ऑफ करो, तो इस केस में क्या हो जाएगा सर? 5 साल हो जाएगा, तो मीन पूरे 5 साल में फायदा ले रहे हैं, 1/5 करके हर साल राइट ऑफ करो। क्वेश्चन बोला कि आप जो रिडेम्पशन कर रहे हो वो पीस मील में कर रहे हो, लमसम में नहीं कर रहे हो, पीस मील में कर रहे हो, पार्शली कर रहे हो, तो जिस पार्ट में रिडेम्पशन हो रहा है उसी पार्ट में प्रोपोर्शन में खर्चा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको मैंने शायद पहले बता दिया, साहिबा स्टार्टिंग की लेक्चर में मैंने ये बताया था, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है, अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तब आप एजम्पशन ले लो बेटा, समझ आई बात? आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे लमसम है या ये चीज, जो भी आप एजम्पशन लोगे वो आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। सिंस द क्वेश्चन वॉज साइलेंट ऑन वेदर द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड
इन लमसम और दे आर रिडीम्ड इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स, तो इट हैज बीन एज्यूम्ड कि दे आर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स. सो वट एवर एक्सपेंसिज ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और द प्रीमियम ऑफ द डिबेंचर्स और द एक्सपेंस ऑफ इशू आर टू बी रिटर्न ऑफ इक्वली इन द 5 ईयर्स. गॉट माय पॉइंट? बट ये आपको एजम्पशन तभी लेनी पड़ेगी जब क्वेश्चन साइलेंट हो. ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में कोई हिंट दी थी बट आपको वो देखने नहीं आई और आपने बोला कि हम एजम्पशन लेंगे, वो बात नहीं है. और वो सर को समझ आएगा और आपको भी फिर बाद में जब आंसर शीट देखोगे तब समझ आ जाएगा कि नहीं हमसे गलती हुई, हमें दिखानी. एजम्पशन लेनी होती है अकाउंटिंग में, ये आपको आगे भी याद याद रखना है. एजम्पशन लेनी होती है वहीं जहां पे क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है. ठीक है बेटा, यू आर गुड टू टेक वट एवर एजम्पशन यू वांट, वेदर यू वांट टू गो विद द लमसम, वेदर यू वांट टू गो विद द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, यू हैव बोथ ऑप्शंस प्रोवाइडेड द क्वेश्चन इज रियली साइलेंट ऑन. समझ आई बात? यस सर। नाउ यू कम टू द टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. एंड एक्चुअली आपकी बुक और मेरी बुक में, मेरे पास पुरानी बुक पड़ी है तो इलस्ट्रेशंस डिफरेंट है. मुझे पता, क्या आपकी बुक में ऐसा कोई टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शायद कंसीडर? नातिका को क्वेश्चन था, हाँ शायद नातिका को क्वेश्चन था। कौन सा बुक? अच्छा नो सर कोई। मेरी जो मीटिंग खत्म हो गई थी, आपकी मीटिंग खत्म नहीं होती सुन? नो सर, नहीं हाउ इज इट अभी तक पॉसिबल जबकि होस्ट मैं हूँ? सर हाँ होस्ट ने ना क्लोज किया, आपने मतलब मीटिंग क्लोज की। बेटा मीटिंग जब क्लोज की, मेरा तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे तो लैपटॉप आपका के. हाँ डिस्कनेक्ट हो गया तो आप खुद ही लीव हो गए ना। अगर आप खुद लीव करते ना कि लीव ऑप्शन पे कि मीटिंग एंड करो तो फिर सबका होता, आपने मतलब किया तो ऐसे ही रह गई। अच्छा ऐसा होता है क्या? मुझे लगा इंटरनेट खत्म हो गया तो फिर वो तो डिस्कनेक्ट होना चाहिए. ना ना मेरी बॉन्ड रहता मीटिंग है। भी यहाँ पे एंड हो गई, वो रिकॉर्डिंग जो होती है उसका नया भी बने. एनीवेज अगर कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे ये बताओ, क्या आपकी बुक में ऐसा टॉपिक है एंड पे, मतलब हमने जो पहले पढ़ा था ना ये इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इश्यू एट, ये सारे केसेस जो मैंने परसों बताए, इसके बाद आपको कोई टॉपिक है बुक में? हाँ एक कौन मिनट, सा टॉपिक है आपका उसके बाद? मुनजा बेटा जो आपकी बुक है ना उसमें हमने एक टॉपिक किया था कि व्हेन डिबेंचर्स आर क्लासिफिकेशन फ्रॉम कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने परसों वाले लेक्चर में बताया था कि जब हम हाँ डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो मतलब रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं जो क्या एंट्री होगी. उसके बाद आपकी बुक में कौन सा टॉपिक है? कोई एक मिनट से मैं देखती हूँ बात, सर। आप सभी ट्रीटमेंट जगह. ऑफ हाँ डिस्काउंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ है ना डिबेंचर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट. और मुझे पहला क्वेश्चन बताओ क्या है? सर, इसमें हाँ इलस्ट्रेशन है। हाँ बताओ डिस्काउंट रिटन ऑफ ऑफ इक्वली क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन. सर, ए कंपनी इश्यूड 5,000 50% डिबेंचर्स ऑफ बिल्कुल रुपीज बिल्कुल हंड्रेड बिल्कुल, ये ईच सबको मिला है क्वेश्चन. मेरी बुक में भी ये क्वेश्चन है, मेरी बुक में इनफैक्ट ये इलस्ट्रेशन नंबर 32 है. सर। हमें जो हाँ रिडेम्पशन के बाद है ना नई बुक जो है उस पे आकर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बस, और कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद कौन सा टॉपिक है? इंटरेस्ट के बाद है इंटरेस्ट एक्यूरेट बट नॉट ड्यू, उसके बाद कौन सा टॉपिक है? अच्छा उसके बाद चैप्टर खाती नहीं। इन दो हम्म, टॉपिक से पहले हैं सर, जो इसने बोला टॉपिक इससे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से पहले ये टॉपिक नातिका है तो मैं भी ट्रीटमेंट। पुरानी बुक है सर की तरह, हाँ नातिका सेम को बुक। मेरे मेरी तरह पुरानी बुक है. नातिका सही बोल रही है. तो आपकी बुक में उसने जब वहां पे डिलीट किया था, इसने यहाँ पे भी डिलीट किया था, बट मेरे हिसाब से ये अभी भी वैलिड है. तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पूरा, कोई घबराने की बात नहीं, आपको यही करना है. ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ. ए कंपनी इशूड 5,000, कंपनी इशूड 5,000 15% डिबेंचर्स. अब आपको सब पता है 5,000 का मतलब क्या है, 15% का मतलब क्या है. ऑफ रुपीज 100 ईच एट रुपीज 95, मतलब पंद्रह परसेंट डिबेंचर्स आपने इश्यू कर लिए 100 रुपीज के एट रुपीज 95, मतलब आपने 5 रुपीज डिस्काउंट दे दिए. डिस्काउंट डिस्काउंट दे एज पर टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, डिबेंचर्स आपने रिडीम करने एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो आपको बताना है कि शो दैट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर. तो नंबर ऑफ, सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना आ गया है ना, डिस्काउंट कितना आया 5,000 शेयर्स के 5 रुपीज 25,000. जी सर। तो
डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर कितना हो जाएगा? फाइव सर हर साल के लिए है, 2018 में लिया और 2023 में राइट ऑफ करोगे। अर्धा कुनु भू अकुज तो 31 दिसंबर 2022 को राइट ऑफ करोगे, तो ये 5 साल हो गए, तो हर साल इक्वली हो जाएगा। तो 5 20 सर डिवाइड बाई 5, तो हर साल जो राइट ऑफ हो जाएगा दैट इज 5 हो जाएगा। 5,000 ठीक है, सिंपल था। अब अगर वेरिएबल होगा, मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं क्योंकि आपके बुक में ये है नहीं। एक्स लिमिटेड इश्यूज डिबेंचर्स, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पूरा, आप अपनी कॉपी पे नोट करना जिनके पास बुक नहीं है। एक्स लिमिटेड इश्यूड नातिका, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड इश्यूड डिबेंचर्स एट द रेट 94% फॉर रुपीज 1 लाख, मतलब 1 लाख के डिबेंचर्स थे, आपने उसको क्या ठीक किया 94% पे इशू किया ऑन 1 जनवरी 2018 एंड दे आर रिपेएबल। रिपेएबल कैसे है ये? बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 20,000 ईच ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ठीक है, कैलकुलेट। डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। ठीक है, सॉल्यूशन। डिस्काउंट कितना आपने दे दिया? 6% ऑफ 1 लाख कितना होता है? 6,000। अब इस 6,000 को आपने राइट ऑफ करना है, कैसे करेंगे? स्टेटमेंट मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, इस तरह हमारे लिए चीज करना आसान हो जाएगा। ये आपका ईयर हो गया, ये आएगा आपका डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनल डिस्काउंट। आवाज चला रूद पाती दरवाजे कर दे बेपन। ठीक है, ईयर आपका पहले 2018 है, मैं जी अगर टाइमलाइन बनाऊंगा 1/1/2018, पहला साल का क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2018 को, दूसरा 31 दिसंबर 2019 को, तीसरा 31 दिसंबर 2020 को, 21 चौथा 31 दिसंबर 2021 को, 22 पांचवा 31 दिसंबर 2022 को।22 हर साल आप राइट ऑफ करोगे तो यहाँ पे कितने रहेंगे? पूरा साल में तो 1 लाख रहा, यहाँ पे तो पूरा 1 लाख रहा ना, और जब यहाँ पे निकाला तो इस साल में कितना रहा था? यहाँ पे 80,000 ही रहा था, जी इस साल में 80,000 ही रहा था, या ऐसा समझ लो। इस साल पूरा 1 लाख था, यहाँ पे 80,000 ही रहा, यहाँ पे आपने फिर 20,000 दे दिए, यहाँ पे 60,000 ही रहा, यहाँ पे फिर आपने 20,000 दे दिए, यहाँ पे 40,000 ही रहा, यहाँ पे फिर 20,000 दे, यहाँ पे 20,000 ही रहा, और यहाँ पे जीरो रहा। तो डिबेंचर सर 20,000 आउटस्टैंडिंग किसके हैं? हाँ 20,000 किसके हैं? बेटा, 20,000 आपने 20,000 हर साल राइट ऑफ कर लिया ना, अच्छा लिखा था ना क्वेश्चन में रिपेएबल बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 ईच। यहाँ पे आपने 1 लाख रुपया ले लिया बंदों से, यहाँ पे आपने 20,000 पे कर लिया, तो पीछे कितना ठीक बचा? ठीक आया था 80,000। मैं। तो आपके 2018 में कितना आउटस्टैंडिंग था? 1 लाख। ठीक है, और 2019 में कितना आउटस्टैंडिंग था? 80,000 80,000। 2020 में 60, 60 2021
2021 में 50,000 40 और 2022 में 25 25,000। रेशियो क्या बनेगी अगर आप करोगे 25? इसका 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, है ना। अब इसका करो ना, 10:8:6:4:5, तो 5:4:3:2:1। पहले साल कितना जाएगा? 1,00,000 × 5 / 5 तो 9 फिर 12 14 15। 1,00,000 × 5/15 कितना होता है? सॉरी 1,00,000 नहीं है, 1,00,000 × 5/15 ये इंटरेस्ट कितना है? डिस्काउंट कितना था आपका? 6,000। 6,000 × 5/15 इस साल में जाएगा, 6,000 × 4/15 इस साल में जाएगा, 6,000 × 3/15 इधर जाएगा, 6,000 × 2/15 और लास्ट साल में जाएगा 6,000 × 1/15। तो वो कितना आता है? 6,000 × 5/15 करोगे तो वो 2,000 आएगा डिस्काउंट। ये आएगा आपका 1,600, ये आएगा आपका 1,200, ये आएगा आपको 800, ये आएगा आपको 400। समझ आई बात? तो हर साल इतना डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अब सपोज इसकी आपने अकाउंटिंग एंट्री भी करनी है, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, वो कैसे हो जाए देखो। जब आप डिबेंचर को इशू करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर 94,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट सपोज यहाँ ही मैं करूंगा खत्म, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स सिक्स डेबिट थाउजेंड 6,000 टू डिबेंचर्स, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं दिखा है तो मैं डिबेंचर्स अकाउंट करूंगा 1,00,000, ठीक है। जी सर। अब मेरे पास दो अकाउंट बनेंगे, एक डिबेंचर अकाउंट बनेगा और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनेगा, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, अच्छे से देखो मेरे बच्चों। मेरा डिबेंचर अकाउंट बनेगा, सबसे पहले मेरी एंट्री हो जाएगी 1/1/2018 को बाई बैंक 94,000 बाई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 6,000, है ना। जी ये हो गया पूरा 1,00,000, तो डिबेंचर मैंने क्रेडिट कर लिया 1,00,000 से। उसके बाद क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2018 को मैं पे करूंगा 20,000, तो टू बैंक हो जाएगा मेरा 20,000 जी और मेरा बैलेंस जो निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन मेरा रहेगा सर 80,000। क्या बेटा? यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1/1/2019 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। 8,000 अच्छे से देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31/12/2018 को मेरा हो जाएगा टू बैंक, मैं अगेन 2020 पे करूंगा 20,000 और अब 31/12/2019 हो गया आपका, 31/12/2019 को अब मेरा बैलेंस रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000, ठीक है। जी तो 1/1/2020 को मेरा जो बैलेंस है वो आएगा जी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 यहां पे करूंगा मैं 31/12/2020 को, अगेन मैं 20,000 रिडीम कर रहा हूं तो बैंक हो जाएगा 20,000। अब कितना बचा साहिबा बेटा? 40,000, ठीक है। तो बैलेंस सर कैरी डाउन, नॉर्मल अकाउंट बना रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें, कुछ ना ना मुश्किल लग रहा है? ठीक नो सर है, क्या होगा, 1/1/2020 को मेरा आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 40,000 और 31 दिसंबर को मैं 2021 को पेमेंट करूंगा टू बैंक 20,000 20,000 तो मेरा आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। 20,000 तो मैं फिर अगले साल में आ रहा हूँ 1/1/2022 को,
बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 20,000, जिसको मैं पे बैंक करूंगा 31/12/2022 को, टू बैंक 22,000, 20,000 तो मेरा डिबेंचर अकाउंट इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो हर साल जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरा इतना बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, 80,000 60,000, और लास्ट में क्लोज हो जाएगा। तो ये मेरा क्लोज हो गया डिबेंचर अकाउंट। अब मेरा दूसरा अकाउंट बन गया था डिस्काउंट ऑन इक्यू डिबेंचर, है ना। बैंक अकाउंट होगा तो वो अलग से, फिर बैंक से पैसे जाएंगे जो होगा वो अलग बात है। एक मेरा अकाउंट बनेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा पहले का। जब मैंने डिबेंचर इश्यू कर लिया तो मैंने एंट्री क्या करी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर डेबिट अकाउंट टू बन गया तो डिबेंचर डिबेंचर अकाउंट 1 जनवरी 2018 को। जब मैंने डिबेंचर इश्यू किए थे तो मैंने ये एंट्री कर दी थी, तो डिबेंचर अकाउंट अकाउंट 6,000। ये देखो यहाँ पे मैंने किया था बाई डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री क्या थी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये जो एंट्री थी ये वाली। लेट मी जूम इट, लेट मी जूम इट, ये वाली एंट्री, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6,000, ये 1 लाख है, इसमें 94 ये है और 6,000 ये है। तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से, वो मैंने कर दिया। और दूसरा एंट्री क्या पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो डेबिट हो जाएगा 6,000 से, तो वो भी मेरे बच्चों मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मेरी पहली एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी ये एंट्री, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो 6,000, ठीक है यहाँ तक। जी सर, उसके बाद मैंने क्या देखा कि हर साल मैं इसको राइट ऑफ करूंगा, तो मेरा प्रपोर्शन ऊपर निकला 2016 से, तो 31/12/2018 को जब मैं पी एन एल बनाऊंगा, 31/12/2018 को मैं करूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, है ना, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बनाया। पीछे कितना इसमें से बैलेंस बचा, अभी बाई बैलेंस कैरी डाउन 4,000, 4,000 अभी मैंने राइट ऑफ नहीं किया, तो ये मेरा रहेगा अगेन दैट फिक्टिशियस मिसेलिनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, वो खर्चा जो मैंने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया। ये मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाऊंगा, इसका डेबिट बैलेंस आएगा ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/1/2019 को ये क्या आएगा बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपकी बैलेंस शीट में ये एसेट दिखेगा 4,000 का एसेट है, डेबिट बैलेंस है, बट ये एसेट है ही नहीं, इट इज द एक्सपेंडिचर विच हैज नॉट बीन रिटन ऑफ येट, तब ये इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब मैं क्या करूंगा, 31/12/2019 को मैं राइट ऑफ करूंगा कितना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 में से अब कितना जाएगा 1,600 जाएगा, है ना, उस प्रपोजल में जाएगा। और पीछे कितना बचेगा, फिर पीछे बचेगा 2,400 सर पहले साल का 4,000 कहाँ से है? बेटा, 6,000 का आपका इंटरेस्ट था, ये डिबेंचर का खर्चा था डिस्काउंट, तो आपने कितना राइट ऑफ किया 4,000, 2,000 राइट ऑफ किया आपने, जो सर ऊपर मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी, ये देखो मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी इस डिस्काउंट में से मेरे पीएनएल में कितना राइट ऑफ करना है, 2,000 राइट ऑफ करना है, तो 6,000 में से 2,000 के पीछे कितना बचा 4,000, फोर्थ तो दिस 4,000 इज द डिस्काउंट विच हैज नॉट बी रिटर्न ऑफ इट, जो अभी तक आपने खर्चा नहीं पीएनएल में नहीं डाला है, जो अभी तक मौजूद है डेबिट बैलेंस। फिर इसमें से 1,600 आपने इस साल राइट ऑफ किया, पीछे कितना बचा, पीछे बचा 2,400, तो डिस्काउंट में से अभी तक 2,400 है जो आपने राइट ऑफ नहीं किया, तो वो आएगा आपको 1/1/2020 को, टू बैलेंस ब्रॉट, मतलब 1 जनवरी 2020 को। क्वेश्चन ये है कि 2,400 डिस्काउंट अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया, इस साल अगेन आप राइट ऑफ करोगे 31/12/2022 को, प्रपोर्शनेट अमाउंट जो है वो राइट ऑफ करोगे बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो उसको आप क्या ले रहे हो, हर साल पीएनएल में ले रहे हो, किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में उसका फायदा हो रहा है, वो वही 10:8:6:5, वो 4:2 बाई पीएनएल। अब 2,400 में कितना जाएगा, ऊपर वाली शीट आपके पास होगी 1,200, मार। पीछे कितना बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन, अभी भी आपका 1,200 बचता है जो आपने यहाँ से राइट ऑफ नहीं किया, तो वो आगे 2 साल में हो जाएगा। तो 1/1/2021 को आपका जो बैलेंस निकलता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो आपका आ रहा है 1,200। फिर आप 31/12/2021 को इस 1,200 में राइट ऑफ कर गए बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना आपका 800 राइट ऑफ हो जाएगा, पीछे आपका बचता है 400,
400 बाई बोलो। बैलेंस कैरी डाउन 400। ये आसान है, जब आप एक दो क्वेश्चन खुद से करोगे तो आपको समझ आएगा। अनफॉर्चुनेटली आपकी बुक में ये चीज नहीं दी है, अभी हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, बट है बहुत आसान। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 400 है, और इस 400 आप राइट ऑफ करोगे 31/12/2022 को बाई 400। इस तरीके से आपका ये डिस्काउंट खर्चा हुआ। द पॉइंट इज, डिस्काउंट का खर्चा आपको 6,000 हो गया था, इसको हम पहले साल में राइट ऑफ करेंगे। हमने पहले वाले लेक्चर में यही पढ़ा था, आज हम उस लेक्चर को बुला दें, हमने बुला नहीं, पहले साल में राइट ऑफ नहीं करेंगे, इसको डिबेंचर्स की लाइफ में राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर्स हर साल राइट ऑफ हो रहे हैं, तो इसको भी प्रोपोर्शनली राइट ऑफ करेंगे। पहले वाले केस में लास्ट में राइट ऑफ हो रहे थे तो प्रोपोर्शनली इक्वली कर रहे थे, यहाँ पे इक्वली नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रोरेटा बेस पे कर रहे हैं। समझ आई बात? जी सर, दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्काउंट। सेम ट्रीटमेंट गोज विद द रिडेम्पशन अमाउंट। रिडेम्पशन पे जो आपका लॉस हो रहा है उसका भी सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा, कि हर साल राइट ऑफ हो जाएगा इसी प्रपोर्शन में, और एक्सपेंस का भी यही ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब द क्रक्स जो हमें निकला है कि मैचिंग कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे, जितने साल तक के लिए आपके डिबेंचर रहेंगे उतने साल में खर्चा जाएगा। अगर इक्वली सारा एक साथ रहा तो इक्वली जाएगा, नहीं तो प्रपोर्शन बेस पे जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आई होप आपने क्वेश्चंस किए होंगे, अगर अभी तक भी नहीं किया जी प्लीज क्वेश्चन को कर लो, जो भी डाउट आएगा वो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना। कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं अगर ऑफिस में होऊंगा तो उस वक्त मैं रिप्लाई नहीं करता नॉर्मली, बट मैं शाम को कर लेता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी सर, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक था, मतलब हालांकि मुश्किल नहीं होना चाहिए आपको, ये बच्ची ने जस्ट याद दिला दिया। ये सर एक लास्ट वाला टॉपिक है, मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया था ये करते हुए, क्या इंटरेस्ट ऑन डिपेंडेंस करके, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, बहुत सही सिंपल थी। जब भी इंटरेस्ट का पैसा ड्यू होता था, फाइनली कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट बिल्कुल डेबिट टू बैंक। और अगर टीडीएस की एंट्री थी तो टीडीएस एंट्री भी साथ कहते थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। सपोज 100 रुपीज का इंटरेस्ट है तो आप एंट्री करते थे, अगर 100 रुपीज का इंटरेस्ट था तो आप एंट्री करते थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या डिबेंचर इंटरेस्ट बोलो, अकाउंट डेबिट 100 टू टीडीएस पेएबल 10 तो डिबेंचर होल्डर 90। फिर जब डिबेंचर जी होल्डर को पे एक मिनट करते थे तब एंट्री करते थे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 90 टू बैंक 90 90। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, आपको आता है। बट कभी कभी क्या होता है, आपने डिबेंचर्स सपोज इशू कर लिए 1 जनवरी को, आपने डिबेंचर्स इशू कर लिए 1 जनवरी को, एंड डिबेंचर्स की जो टर्म्स है वो है कि जो इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा वो 6 ईयरली पेबल हो जाएगा। डिबेंचर जो इंटरेस्ट होगा वो 6 ईयरली पेबल होगा, तो पहला 6 मंथली पेबल होगा, तो पहला कब बनेगा 30 जून 2018 को, और दूसरा कब बनेगा 31 दिसंबर। 2018 को। अब आपको पता है बच्चों हमारी जो क्लोजिंग होती है वो कब होती है, 31 मार्च। अब आपको जो क्लोजिंग करनी है तो क्लोजिंग में आपको क्या करना है, इस साल के जितने भी खर्चे होंगे वो इस साल के पेनल में जाने चाहिए, है कि नहीं। जी सर, जो आपका ये ईयर बनेगा फाइनेंशियल ईयर 17-18 बनेगा, तो आपको मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, इस साल के जितने भी खर्चे होंगे वो इस साल के पेनल में जाने चाहिए। तो आपको पता है भाई यहाँ पे अगर मैंने 10 लाख के डिबेंचर इशू कर लिए जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मुझे इनको इंटरेस्ट तो देना है 3 जून को, बट इंटरेस्ट इनके टाइम बेस होता है, तो आप बोल सकते हो 3 महीने का इंटरेस्ट 10 लाख इंटू 10% इंटू 3/12 जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अक्रू हो गया है, अक्रू हो गया है बट अभी ड्यू नहीं हुआ है। तो एक कंसेप्ट जी आया था, अक्रू बट नॉट ड्यू। नॉट बी। एक होता है अक्रू एंड ड्यू, दूसरा क्या होता है अक्रू बट नॉट नॉट। बी। अक्रू हर दिन होता है, टाइम बेस्ड चीजें हर दिन अक्रू होती है, बट ड्यू वो एक पर्टिकुलर डेट होती है। जैसे मैं सपोज कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी मंथली सैलरी है 30,000, मैंने 15 दिन हो 16 दिन आज काम करे हो, तो आपको नहीं लगता है मेरी 16 दिन की सैलरी अक्रू हो गई है, बट क्या वो ड्यू हो गई है, बड़े क्या होना मैं हाँ को ना बोला मैं गई शरा तो मैं जिस शरा साथ रहे, क्या ना ना भाई मैम नहीं बेटा, आपकी जो सैलरी जो भी होती है वो मंथ एंड पे होती है, तो आपकी सैलरी दो अक्रू होती है हर दिन बट ड्यू होती है ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो इसी केस में यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट वाले नहीं बोलेंगे ना मुझे पैसा दे दो,
क्योंकि इनको हमने बोला 30 जून तक, बट अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को तो 3 महीने का खर्चा इसी साल डालना है ना, जो इस पे इंटरेस्ट आएगा 25,000 आएगा मेरे हिसाब से, आप देख लेना 25,000 जो इस पे इंटरेस्ट आएगा वो क्या है मेरा, वो इस साल का खर्चा ना, वो इस साल के पीएनएल में जाना चाहिए, है कि नहीं? तो जी सर, ये जो मेरा इस साल का इंटरेस्ट है, ये तो मुझे खर्चा डालना है पीएनएल में, तो ये तो मुझे रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, मुझे जब मैं फाइनेंस में, तो मुझे इस साल का खर्चा डालना है ना, यहाँ तक जो मैंने इंटरेस्ट पे किया वो तो दी, बट ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे अकाउंटिंग एंट्री करनी है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, क्योंकि ये मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से अक्रूड कंसेप्ट मुझे इस साल खर्चा डालना है, तो मैं 31 दिसंबर को एंट्री, 31 मार्च 2018 को एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू अक्रूड इंटरेस्ट क्या करूंगा, टू एक्रूड इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट 25 25,000, ठीक 25, और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है मेरा पीएनएल में जाएगा, जितना वो खर्चा था प्लस ये मेरा पीएनएल, क्योंकि मुझे ये इस साल का खर्चा रिकॉर्ड है, डू यू अंडरस्टैंड, या आपको लॉजिकली समझ आ रहा है कि ये इस साल का खर्चा है, ये 25,000 ये इस साल जी का सर, खर्चा है ना, ठीक क्योंकि टाइम बेस्ड खर्चा है, 1 महीने का आपका बन रहा है कुछ 6,500, तो ये करके इस 3 महीने का आपका खर्चा है 25,000, तो इस साल जाना चाहिए। अब क्या होगा, 3 महीने जब और काम करोगे, 3 महीने जब और वेट करोगे, तो आप यहाँ पे और एंट्री करोगे 30 जून को, अब 30 जून को आप एंट्री क्या करोगे, 30 जून को ये वाला इंटरेस्ट और हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिबेंचर। अकाउंट डेबिट, ये 3 महीने का खर्चा 25,000 प्लस ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है इसको डेबिट करोगे, इस अक्रूड इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, आप डेबिट डेबिट, करोगे, तो फिर आप एंट्री करोगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 25,000, कितना हो गया 50,000, तो टीडीएस पेएबल, सपोज 10% टीडीएस पेएबल है 45,000, तो डिबेंचर होल्डर 45, 5,000, डिबेंचर होल्डर को अच्छा देना था आपको 50,000, पूरे 6 महीने का 50,000 देना था, उसमें से 5,000 टीडीएस काटा, बाकी आप लोगों को पेमेंट करनी है, फिर आप एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर ठीक, आप 30 जून को एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000, और वो 5,000 आप क्या करोगे, गवर्नमेंट में पे करोगे, तो एंट्री करोगे टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट, सर जो 30 जून के बाद 6 मंथ्स आएंगे ना, बेटा बेटा मैं अभी उसका आता हूँ, तो टू बैंक 5,000 5,000, यहां तक समझ आया सबको, जी सर, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी समझ ली, कि अगर क्लोजिंग हो जाएगी वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको अक्रूअल की एंट्री डालनी पड़ेगी। अब बेटा आप बताओ आपका डाउट क्या है, मैं बोल रही हूँ जो 30 जून के बाद जो अब इंटरेस्ट है थर्टी ना फर्स्ट सिक्स दिसंबर मंथ्स आएगा, का, हाँ थर्टी फर्स्ट उस दिन दिसंबर आएगा ना 50,000 सीधे। 31 दिसंबर में आप क्या हो गया, अब देखिए टाइम लाइन बना लो, जितना आप देखोगे टाइम लाइन उतना आसान हो जाएगा, अब यहां तक आ गए बच्चों, हाँ अब 31 दिसंबर आ गया, ये हाँ यहाँ पे आप क्या हो गए, सीधे 6 महीने आ गए, छह हाँ 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 वही महीने वही का सीधे वही इंटरेस्ट आ गया, वो पे करोगे सीधे, यहाँ पे जी अक्रूवल का कुछ हुआ ही नहीं है, इस दिन अक्रू होगा, इस दिन भी होगा, क्लोजिंग का कुछ देना देना है, फिर जी सर, आपका जब 31 दिसंबर आएगा वहां पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर हो तो टीडीएस पेबल तो डिबेंचर होल्डर, ये इसको 45,000 देना है, ये 5,000 गवर्नमेंट को देना है, और 50,000 का आपका खर्चा जी हो जाएगा, फिर वही 55,000 तो बैंक एंड 45,000 तो बैंक सर, अलाला खैर अलग, फिर जब 31 तीन आएगा तो अगेन वो प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और किसी बच्चे को कोई डाउट, नो सर, तो कल से इंशाल्लाह फिर नया टॉपिक स्टार्ट करें, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाँ कल छुट्टी लेंगी, कैज, अच्छा आज भी हो गया ना बिजनेस का, ऊपर से ठीक मुझे है, अब कल आप के लिए बिजनेस को, क्लास अब आप करनी बिजनेस को रिवाइज करो, और अगर है। इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए प्लीज उनको कंप्लीट करो, और इंशाल्लाह फिर हम कल जो है, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल नहीं सॉरी, फिर आपका आ अच्छा जाएगा पगह के गुरुवार, तो वेनसडे को इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ज्यादा मुश्किल है नहीं कुछ, वो भी आसान है, और उसको भी इंशाल्लाह फिर हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, करेगा, बताओ किसी हाँ सर यही मैंने बोला। और बच्ची का कोई डाउट, इसमें से तेज पाटा क्वेश्चन समझी तरह, ठीक नो सर, है, तो प्लीज ठीक सब बच्चियों, जो भी क्वेश्चन आपके बच्चे हुए हैं
वो आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन सर मुझे क्वेश्चन नंबर नंबर 24 समझ नहीं आया। 24 मैंने लिखा है वो क्वेश्चन कि मैंने नहीं लिखा अभी तक वो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो बेटा। ए लिमिटेड कंपनी क्रिएटेड 1 लाख डिबेंचर्स। जस्ट जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। मैंने एक्चुअली ये ओके बंद कर लिया था ना स्क्रीन शेयरिंग का, मैं उसको वापस कर लेता हूँ। हाँ पढ़ लो क्वेश्चन। ए लिमिटेड कंपनी क्रिएटेड 1 लाख डिबेंचर स्टॉक विच वॉज इश्यूड एज फॉलोज। फिर इसके तीन केसेस हैं। देख मैं देख लेता हूँ मेरी बुक में कौन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, किस टॉपिक का है? डिबेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन कंसिडरेशन। अदर देन कैश मगर इसमें ये कोलेटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट भी आ रहा बता बता बता, कोई इश्यू नहीं, पढ़ो 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 क्वेश्चन, पढ़ो पूरा। है। हाँ। फिर से पहले से हाँ, मैं देख रहा था मेरी बुक में, ए मेरी बुक में नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन। लिमिटेड कंपनी क्रिएटेड 1 लाख डिबेंचर स्टॉक विच वॉज इश्यूड एज फॉलोज। केस नंबर 1 टू सेंड्रे पर्सन फॉर कैश एट 90% 50% 50,000 नॉमिनल। किससे किससे नए से बताओ। टू सेंड्रे पर्सन फॉर कैश एट 90% रुपीज 50,000 नॉमिनल। 95% कैश, 90% 90% कैश, फॉर कैश रुपीज फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड ठीक थाउजेंड नॉमिनल। ठीक और केस बी टू टू अ क्रेडिटर फॉर 20,000 रुपीज 20,000। तो ठीक, कैपिटल इसको एक्सपेंडिचर इन इसको कुछ सेट नहीं है ठीक। और तीसरा टू बैंकर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ ट्वेंटी बोला था ना आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम रुपीज 23,000 नॉमिनल। और क्लेम कितना था, 23,000 और बीए भी कितने। टू अ क्रेडिटर 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं 23,000 ये आपने ऊपर वाला बोला, 23। हाँ सर एक केस तो बी लिखा देता है। है, इज इट लाइक दिस, इसका 23,000 था और मैंने इसको 20,000 रुपीज दे दिए, इसका जो क्लेम ट्वेंटी था मेरा वो थाउजेंड 23 नहीं था, बट मैंने इसे सिर्फ 20,000 के लिए बेचर दे दी, लाइक दिस ठीक। सर। आगे केस नंबर थर्ड टू बैंकर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी 27,000 नॉमिनल। इसमें इसको ट्रेडर को मैंने 23 दे दी कि 20,000 दे दी। 23 दे दिए। ट्वेंटी 23 हम ड्यू करते थे सर 20,000 दिए, 23,000 क्लेम था। और इसमें 27,000 दे दिए और उसके बाद फिर नीचे थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हाँ लिखी बताओ बताओ। द इश्यूज इन केस नंबर 1 एंड केस नंबर बी आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स एट पार। 1 एंड 3 ना। ना 1 एंड 2 ओके हाउ द डिबेंचर स्टॉक बी डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन का फोटो जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे ग्रुप पे, जल्दी पूरे क्वेश्चन का फोटो भेजना, करेंगे इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, जस्ट सेंड मी द फोटो ऑफ द क्वेश्चन। सर अगर 50,000 था ये जो ना इसने पहला केस है 50,000 फिर हाँ क्रेडिटर्स अगर 20,000 दे और बैंकर्स को 27,000 वो कैसे 1 लाख वही वन आएगा। लाख नहीं आ रहा ना, तभी मेरे को भी डाउन हो रहा है, जस्ट वही वही ये 20,000 हम ड्यू कर देंगे मुझे लेकिन मुझे हमको भी तो दिया वही हुआ लग रहा है, बस 2 मिनट 23,000। वेट करो, मैं एक बार ये देख लेता हूँ उसका ना क्वेश्चन, देख लेता हूँ मैं तभी। मेरे को हिसाब से ये 23 और 20 उल्टा होना चाहिए, जस्ट एक बार एक बच्ची भेजेगी।
इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसर्न अंडर कैश एलिमिनेटिंग कंपनी क्रिएटेड 1 लाख डिबेंचर स्टॉक इस पर जो रिकॉर्ड 20% फॉर कैश एंड 90% 50,000 नॉमिनल वैल्यू की द क्रिएटर ऑफ कंसर्न टोटल इंटरेस्ट ऑफ स्लो कंट्री टोटल की डिबेंचर टोटल मल्टीपल ठीक नहीं, क्वेश्चन तो इसने ठीक बोला, क्वेश्चन तो वही है। क्लेम उसका 23,000 का और हमने उसे 20,000 में दे दिया। लास्ट वाली लाइन क्या थी? द इश्यूज इन केस नंबर 1 एंड केस नंबर बी आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ठीक। एट पार। और आगे क्या बोला था आपने क्वेश्चन में? क्या बोला था लास्ट वाली लाइन? मैंने वो बैक कर दिया। डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक बी डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एक और द इश्यूज ए एंड बी आर रिडीमेबल फॉर हाउ द डिबेंचर स्टॉक बी डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ओके 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 बेसिकली तीन केस आ गए। अब मुझे बता पहले केस में क्या एंट्री हो जाएगी? चलो एंट्री कर लो। पहले केस की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 45,000। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे आपने डिस्काउंट दे दिया हमको, डिस्काउंट ऑन फाइव इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000 5,000। तो कुछ लिखा नहीं है कितने परसेंट डिबेंचर था, तो डिबेंचर 50,000। ठीक, दूसरा केस में बताओ एंट्री क्या हो जाएगी? आपका क्रेडिटर है ऑलरेडी, क्रेडिटर को आप डेबिट करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 23,000 और आपने डिबेंचर्स कितने के दे दिए? टू डिबेंचर्स 20,000। आपने उसे 20,000 के डिबेंचर्स दे दिए, आपने उसको 20,000 के डिबेंचर्स दे दिए। बट जैसे ट्वेंटी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ पे आप एजम्पशन दे सकते हो। जो आप बोल रहे थे ना कि एजम्पशन कहाँ लेनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई 3,000 का क्या है। नॉर्मल केस में आप अगर 23,000 वाले बंदे को 20,000 रुपये दोगे तो आप क्या बोलोगे? 3,000 आपको डिस्काउंट हो गया है कि नहीं? तो जैसे आप उसकी नॉर्मल एंट्री क्या करते हो? तो डिस्काउंट रिसीव। एक एंट्री एग्जम्पशन ये निकालती है कि भाई वो मेरा डिस्काउंट हो गया, वो डिस्काउंट हो गया। दूसरा मैं बोलूंगा कि मैंने उसको 20,000 के डिबेंचर दे दिए एट द प्रीमियम ऑफ 3,000। ये भी एजेंशन निकल सकती है। भाई उसका क्लेम था 23,000, मैंने उसको 20,000 के डिबेंचर दे दिए तो मैंने उसे 3,000 क्या लिया, प्रीमियम ले लिया। वो 3,000 कहाँ जाता है मेरा? सिक्योरिटी एक्सक्यूज में। मी तो एक तरीका है ये करने का, टू तो डिस्काउंट रिसीव, ये भी ठीक है। और दूसरा तरीका है, मैं इसको डिस्काउंट ना मान के इसकी ये एजेंशन लूंगा कि इट इज एज्यूम्ड कि जो 20,000 के डिबेंचर किए वो एट प्रीमियम ऑफ 3,000 किया है। तो उस केस में जो एंट्री हो जाएगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 3,000। ठीक है, ये हो गए दो। उसके बाद तीसरा क्या था? कोलेटरल का था आपका 27,000। तो 27,000 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी आप चाहो तो एंट्री कर लो तो ठीक, एंट्री नहीं चाहोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको करनी हुई कोलेटरल की एंट्री तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने के थे वो बेटा? 27,000। तो डिबेंचर अकाउंट 27,000 और आपको खाली बोला था 1 और 2 कैसे आएंगे उधर पीएनएल में, ये बैलेंस शीट में यही बोला था, थ्री के बारे में बोला ही नहीं था। तो इसमें ये कर रहे हैं। हाँ एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स नहीं, वो तो बोला था रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर, बट आपको जो बैलेंस शीट में बोला था एट द एंड ऑफ पहला ईयर बोलेगा ना कि कैसे आएगा बैलेंस शीट में।
डिबेंचर सस्पेंस आपका अगर दिखाना भी है तो कभी कोई इश्यू नहीं, मैं तीनों को दिखाऊंगा। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट वो जो एक गलती लग रही है उसे वो 1 लाख के इशू नहीं कर रहा है, वो इशू 97 के ही कर रहा है। दिखाता हूँ, यहाँ पे 50,000 के कर रहा है, यहाँ पे 20,000 के कर रहा है, और यहाँ पे 20,000 27,000, टोटल वो कितने का कर रहा है? वो कर रहा है टोटल 1,97,000। अब ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट में ये कैसे आ जाएगा? एक डिबेंचर स्टॉक वाला कंसेप्ट एक दूसरा होता है, पर वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे किसी आपने डिबेंचर इशू किया ना मुझे 10 बार, तो मेरे पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ उन सर्टिफिकेट्स को मिला लेता हूँ और एक ही स्टॉक बनाता हूँ उसको, उसको स्टॉक बोलते हैं। वो मुझे थ्योरी में अलग से करना है, बट वो ये वाला कंसेप्ट नहीं है, वो दूसरा कंसेप्ट है। नोट नंबर अमाउंट पर्टिकुलर, यहाँ पे मेरा आएगा सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा क्या मेरा लॉन्ग टर्म बुक्स बोरोइंग। यहाँ पे मैं नोट नंबर 1 करूंगा, अमाउंट मुझे अभी पता नहीं है। यहाँ पे टोटल है, अब मेरा आएगा नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो मेरे आएंगे डिबेंचर्स का परसेंटेज नहीं लिखा था ना, कितने परसेंट डिबेंचर्स है, ना। डिबेंचर्स मेरे डिबेंचर्स जो आएंगे वो मेरा आएगा पहले यहाँ पे था, क्या था पहले, क्या था सबसे पहले आपने 45,000 वाले जो 50,000 थे वो 50,000 के, उसको लिखूंगा वो किनको दिए थे, इशू अगेनेस्ट कैश 50,000, उसके बाद फिर मैंने उसको दिए थे 20,000 डिबेंचर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। उसके बाद क्या था, डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी कितना था, 27,000, इसमें से लेस हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 27,000, ये बचेगा नील, और टोटल जो मेरी बाहर फिगर आ जाएगी वो आएगी 50 और 20, जो आउटसाइडर्स को मैंने इश्यू किए 70,000। तो मेरी जो यहाँ पे आएगी बैलेंस शीट में फिगर वो डिबेंचर से आएगी खाली 70,000, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसमें कुछ खास तो था नहीं इसने, बट इसकी एक गलती है क्वेश्चन में, इसकी जो 1 लाख लिखा है ना वो रियलिटी में सिर्फ 97,000 के, बट डिबेंचर सस्पेंस जो है वो मेरा बैलेंस शीट में बाहर फिगर नहीं आएगा, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, बाहर सिर्फ वो 50,000 जो मैंने उनको दे दिया, और डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन कैश जो 20,000 वो है वो 70,000 आएगा, ठीक है। अब ये 1 लाख का कैसे हो सकता था, फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी, क्वेश्चन में ऐसा चेंज होना चाहिए था, मैं बताता हूँ वो 1 लाख का कैसा होता। देखो बच्चा 1 लाख का क्या होता, ये जो क्रेडिटर्स थे ना आपके, क्रेडिटर्स जो थे, क्रेडिटर्स आपके होने चाहिए थे 20,000 के, क्या होने चाहिए थे 20,000 के, और आपने उनको डिबेंचर्स दिए होने चाहिए थे 23,000। अगर क्वेश्चन ये होता तो इसका फिर ठीक हो जाता ये चीज कि टोटल 1 लाख के डिबेंचर हो चुके हैं, मेरे हिसाब से इसको क्वेश्चन में वही लिखना चाहिए था कि आपके 20,000 के डिबेंचर्स थे और उनको आपने 23,000 दिए, तो यहाँ पे अभी आपका क्या हो जाता, डिस्काउंट हो जाता, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 3,000 हो जाता, फिर जाके आपके डिबेंचर जो थे वो कुछ इस तरीके से होते, यहाँ पे फिर आपके 23,000 के डिबेंचर्स होते, यहाँ पे कुछ 73,000 के डिबेंचर्स होते, और ये 27,000 करके 1 लाख हो जाता, बट वो 1 लाख बाहर नहीं आएगा, बाहर 73 आएगा। तो दूसरा तरीका इसका ये था, क्योंकि वो मुझे कैसे लग रहा है वही होना चाहिए था, इसने आपको जो आंसर में लिखा है ना कि 16,000 विल बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर, वो कैसे होगा,
वो तभी होगा, ये 3,000 और ये 5,000, टोटल टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 8,000 बेटा, 8,000 रहा टोटल टोटल डिस्काउंट। सर। अब ये कितने साल के लिए लिया? 5 साल के लिए रहेंगे, तो हर साल कितना हो जाएगा? 80,000 डिवाइडेड 500, 6,000, 6,000। बट वो तब होगा जो क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्रेडिटर्स आपके थे 20,000 के और आपने उनको डिबेंचर दिए 23,000 के, तब जाके आपका 8,000 इंटरेस्ट बनेगा, डिस्काउंट बनेगा टोटल, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, बट मैंने आपको दोनों की जानकारी दी। करेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से हुआ है, बट क्योंकि इसने आंसर में 16 रखा है, उस हिसाब से क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज सिंपली क्या क्या करो, मुझे इसमें डाला करो, ठीक है, मुझे इसमें डाला करो, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया करो कि सर ये क्वेश्चन हमारा नहीं आया, तो मैं आपको दिखाया करूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और तो नहीं किसी का कोई डाउट? नो सर। आज को इफेक्ट क्लास लगभग 1.5 घंटे की। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। नो सर।